आप हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं और आप उन्हें हमारे प्रोग्राम में देखते रहे हैं अक्सर। जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट का मुझे ज्यादा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ रखिए। एंड वी हैव अनदर गेस्ट, हमारे साथ राशिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, लेकिन साथ साथ उनका मैं ये भी बताती चलूँ कि ही इज प्रेजिडेंट कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, प्लेजर टू हैव यू अगेन इन द शो। और अपनी खबरों पर नजर डालते हुए मैं आप लोगों से खबरें भी शेयर करूंगी और आपने इस पे कमेंट करना है, राइट? तो सिंध के बारे में मेरे ख्याल में ज्यादा खबरें थी जिस पे आप बात करना चाह रहे थे। काशिफ साहब, कोई और बात भी है जो आप करना चाह रहे थे? जी, मैं एक चीज, खबरों से पहले मैं एक चीज जरूर डिस्कस करना चाह रहा था आपसे भी और देखने वालों से भी कि माशाल्लाह मेरा जहाँ काफी जगहों पे बैठना अभी सर्कल्स में मोतबर जगहों पे मेरा होता है तो मैं बड़ा आपका शो माशाल्लाह इस वक्त टॉप ऑफ द टाउन जिसको आप कहते हैं ना, वो वाली कैफियत मुझे बिल्कुल। और माशाल्लाह देख रहा हूँ सदुल्ला भट्टी साहब और मैं, लोग जानते हैं कि यार अच्छा भट्टी साहब वाला आपका जिक्र करते हैं वो, और अब तो माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स में भी कहाँ कहाँ क्या क्या करती नजर आ रही है, छा गई है। जी बिल्कुल, ग्रो एक्चुअली, और इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं इसी तरह चाहिए। बिल्कुल राजीव साहब, इन्होंने तो तारीफ कर दी, आपके टाइम पे आप भी कर दीजिएगा, सोच नहीं क्या तारीफ हो सकती। अच्छा, पहली खबर भाई कराची के हवाले से हम शुरुआत करते हैं और जो कि एक मेजर खबर है, कराची समेत सिंध में लैंड माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। ये बड़ा अच्छा कदम है, इसको काफी पहले हो जाना चाहिए था या ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए और अब देख रहे हैं, लेकिन ये फैसला क्रैकडाउन ऐसे पहले भी हो चुके हैं। हाँ, आपको रहे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर क्रैकडाउन है इसका कोई खास फायदा होगा? देखिए, जब ये सामने आएगा, जब ये करेंगे तब पता लगेगा। अभी तो सिर्फ एक अखबार में खबर आई है कि फैसला है, इसके बाद हमें इंतजार करना है कि होगा क्या। और सिर्फ ये क्रैकडाउन मामूली छोटी बुनियादों पे नहीं होना चाहिए, पूरे कराची में होना चाहिए। और ये नहीं है कि उठाएंगे मखसूस क्या कहते हैं जो मुखालफीन है उनको वो हरासत करना, वैसा नहीं। जो भी आए आप, अपनी पार्टी का और जिसका भी हो, सबको बराबर करें। ये है फिर क्रैकडाउन, इसको आप मानेंगे कि प्रॉपर हुआ है, फिर क्रैकडाउन हुआ, उसका असर भी होगा। राशिद साहब, एनीथिंग जो आप इस खबर के बारे में कहना चाहें, लैंड माफिया और क्रैक डाउन? देखिए, मैं तो कहूंगा कि क्रैक डाउन की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। जी, उसकी वजह यह है कि एक आपके पास ऐसा एक कानून होना चाहिए, आपके कैसे एतारूज होने चाहिए, मतलब होने चाहिए कि जिसके तहत कोई बंदा किसी जमीन के ऊपर कब्जा ना कर सके, कोई बंदा किसी लैंड माफिया के अंदर इन्वॉल्व ना हो सके। क्रैक डाउन का मतलब मानने क्या है कि एक बंदे ने माफिया शुरू करा और उसने हजारों एकड़ जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर क्रैकडाउन करा, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, आपने उसको भाई आज के बाद से तुम्हारा क्रैकडाउन खत्म। लेकिन जितनी जमीनों को कब्जा कर चुके हैं, जितने लोगों का नुकसान हो चुका है, उसका क्या होगा? फिर क्या होता है कि उन बंदों को क्रैकडाउन, थर्ड पार्टी के भी बड़े नुकसान हुए हैं। एक तो ये है कि कुछ तो ऐसे लोग थे जो बिल्डर्स थे या बाजार थे, खुद कुछ तामीराती काम करना चाहते थे और उसमें थर्ड पार्टी भी आ गई, यानी वो लोग जिन्होंने बुकिंग्स करा ली अगर अपार्टमेंट्स थे फॉर इंस्टेंस या दुकानें वगैरह थी, और बाद में ये तमाम लोग जो है ये अग्रीड पार्टीज हो गई, क्योंकि तमाम को अब तक कुछ नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे, और अब तो हाईवे पे काफी डेवलपमेंट शुरू हुई है, लेकिन पहले वहां पर ये सिलसिला बहुत ज्यादा था। पर उस क्रैकडाउन का फायदा नहीं होता इसके कि जो बंदा था जिन्होंने काम शुरू करा, उन्होंने अरबों रुपए से कमा लिया, उसके बाद आपने क्रैकडाउन करके आपने कहा नहीं अब तुम रुक जाओ, और उसके बाद उनको आप अदालत ले गए, अदालत में उन्होंने पैसे जो भी होता है आमतौर से अदालत से लोग बरी हो ही जाते हैं, और उसके बाद वो अपना साल दो साल एक रेस्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा काम शुरू कर देते हैं, और फिर दो साल बाद आप दोबारा खबर पड़ेंगे कि जो उनके खिलाफ दोबारा क्रैकडाउन हो गया। तो अपने हिसाब से ऐसे कानून होने चाहिए जिन कानून के तहत किसी को किसी की जमीन पर कब्जा करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो लोगों की हो, ऐसे किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन होनी नहीं चाहिए, ऐसे कोई गैप ही नहीं होना चाहिए जिसके तहत वो किसी के ऊपर जमीन के ऊपर कब्जा कर सके। हम काशिफ साहब की तरफ वापस आएंगे, लेकिन इन तमाम चीजों से मुझे याद आया कि बजट आ गया, मुल्क का जो भी सियासी समाजी माहौल है वो भी आपके सामने है, फिर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा सी पैक के हवाले से इस वक्त मिला जुला रुझान है, तो इस मिले जुले रुझान में इसके जवाब आप भी मुझे दे दीजिएगा। लेकिन क्योंकि आप बिजनेस फोरम, कराची बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं, आप इस वक्त की सूरत हाल में बिजनेस पे कैसा असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, बिजनेस का ऊपर असर तो जितनी भी गैर यकीनी सूरत हाल होती है उससे बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। और मैं इससे पहले भी एक दफा कह चुका हूँ कि देखें, ये जो पनामा का केस चला था,
पनामा के केस को अगर आप एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें कि इसके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं मनी ट्रेल के इश्यूज आ रहे हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप गौर ये करें कि पाकिस्तान का अगर आप इस पर स्ट्रक्चर देखें तो आज से 25 साल पहले 30 साल पहले भी पाकिस्तान की जितनी भी पैसों की ट्रांसफर जो होते हैं मुल्क के बाहर उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा होल्डी बेसिस था और आज भी होल्डी का काम बहुत आम है। अच्छा फिर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल हमेशा से रही है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मोर देन 80-90% बिजनेसमैनों ने अपने पैसे मुल्क से बाहर भेजे। अच्छा फिर क्या है कि पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल रहा कि आपने देखा होगा कि रातों रात इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गई, रातों रात डॉलर अकाउंट रातों रात डॉलर के अकाउंट चीज हो गए, तो एक ऐसी हैबिट होती रही जिसके बिहार के ऊपर पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अपने पैसों को बाहर रखना ज्यादा महसूस कर दिया। अच्छा फिर आपके पाकिस्तान का कोई एक ऐसा लॉ मतलब नहीं है जिसके तहत आप ऑफिशियली पैसा भेज सकें? ठीक है, अगर आप ऑफिशियली पैसा भेजते हैं तो आपको बेताशा हैंडल करती है और वो लोग जो सब काउंटर पर बैठे होते हैं जिनका काम होता है स्पेसिफिक काम करना वो फिर उस क्लाइंट को खुद गाइड करते हैं यार आगे क्या करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इतने पैसे कर देंगे जो होगा तो आप इस पैसे को वहाँ पे ट्रांसफर कर दें। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त पनामा को ले मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ होगा वो शायद इतना सा होगा, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में पनामा को लेकर जो मतलब धरने वाला के चक्कर चलता रहा जिस तरह की शासन चलती रही इससे पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को और पाकिस्तान की बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान, बिजनेस को बहुत स्पेसिफिकली क्योंकि बिजनेस एक ऐसा कोर पॉइंट है जिसमें आप देख लीजिए अगर हम सिंध में होते हैं तो गवर्नर सिंध कितने कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करते हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस उसको फ्लरिश होना चाहिए और हुकूमत भी ओवरऑल बजट से लेकर एवरी वेयर दे थिंक अबाउट बिजनेसमैन और उनकी ग्रोथ क्योंकि जीडीपी और तमाम चीजों का लिंक इसी से और इकोनॉमी आपके मुल्क को जिस तरह चला रही है और उसमें बिजनेसमैन का जो रोल है उसको हम किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कारोबार वो परिंदा है जो अमन के पेड़ पे बैठता है। क्या बात है, ये लाइन तो मैं याद रखूंगी, कारोबार वो परिंदा है जो अमन के पेड़ पे बैठता है। ठीक है, अभी बात करते करते आई मेरे ध्यान देखे क्योंकि इनसे जो बात इन्होंने की क्योंकि अमन होगा तो कारोबार उस पेड़ पे होगा, पेड़ ही नहीं होगा। और बाकी इन्होंने जैसे कहा पनामा, देखिए इंटरनेशनली विकीलीक्स साइन, अब हमें नहीं पता चलता कि कौन करता है, खुद यूरोप से किया जाता है अमेरिका से या क्या सीन है, कई हुकूमतें गिरा। देखिए ये चीजें एक जमाना होता था जिसको कहते हैं गुलाम गर्दिशों में महलाती साजिशें होती थी, बादशाहों के औलादें होती थी, चाचा वो लड़ते थे ये सब चीज। लेकिन अब जो है एक डेमोक्रेसी है, एक ओपोजिशन होती है, ओपोजिशन का काम है और ये पूरी गवर्नमेंट जो बैठी है ये कानून साज, देखिए बुनियादी जो मकसद होता है ना कानून साज ही होता है, कानून साज इदारे का असेंबली है वो कानून बनाती है। यहाँ पे बातें सारी असेंबली के अंदर ही अच्छी लगती है। धरने देखिए ये नहीं है कि आज आपने धरना दिया है फिर वहाँ आपके खिलाफ पड़ जाता है, कल आपने कहा कि जी इनके असासी चेक करो, कल आज बल्कि अखबार है आज कहा जाएगा कि दूसरे के भी असासी चेक। हाँ जी, अब आपने कह ही दिया तो मैं अखबार में पढ़ भी देती हूँ, ये खबर है इमरान से आमदनी की तफसीलात, कल 73 से 83 तक पैसा कमाया या नहीं, लंदन फ्लैट की रकम कैसे दी, चोरी का सुराग लगाने का उसूल चेयरमैन पीटीआई पर भी लागू होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। सर देखें अगर इस तरह होगा, यही चीज थी कि इन्होंने इतना छेड़ा हुकूमत करने की जल्दी, बहुत बुरी चीज है। आप 4-5 साल दें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटें रहती कहां पर है, 5-5 साल करती ही नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल किए, मौजूदा गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकते थे इन्होंने किया, इनको भी आप करने दें। उसके बाद अभी देखिये यही है, आगे 1 साल से भी कम टाइम है, जुलाई चल रहा है, मुश्किल 7-8 महीने 10 महीने रह गए। अब ये मसाइल फिर देखें, अपोजिशन भी ना अहल हो जाएगी, गवर्नमेंट को भी आप इसलिए मिल जाएंगे, फिर हुकूमत कौन करेगा, क्या फरिश्ते आएंगे? ठीक है, हमारे साथ कॉलर है इस वक्त, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, मुझे नाम बताया गया था और शहजाद है जी। शहजाद अहमद दिलानिया वाली की बात कर रहा हूँ। हाँ जी फरमाइए शहजाद साहब। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, और हम इसीलिए रोज प्रोग्राम करते हैं कि आप शौक से देखें। और कुछ कहना चाहते हैं आप?
मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा है आपके साथ जो मेजबान आते हैं, आपसे हम काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बस यही बात करनी थी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ साहब, आपने वक्त निकाला, दुआओं में हमेशा हमें याद रखें और इसी तरह कॉल करते रहें, और आगे ऐसे मौके बनेंगे, ऐसे टॉपिक्स होंगे कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप जरूर कॉल कीजिए। अच्छा, एक और फिर खबर आजकल की बारिशों के हवाले से, वैसे बारिश में भी बिजनेस काफी डीरेल हो जाता है ना, यहाँ आप लोग कहते हैं नहीं अब लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जो भी एक चीजें तो हमने करनी है। देखें, ये जो बारिश होती है ये साल में कराची में तो कम से कम साल में दो दिन या तीन या चार दिन हो जाती है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के माबेन जो बारिश हो रही होती है उससे हमारे हम ज्यादा मुतासर होते हैं। और देखें, मैं आपको इस बात बताऊँ कि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाली बिजनेस कम्युनिटी है, और बिजनेस जो है वो किसी भी मुल्क का, खाली पाकिस्तान का नहीं, किसी भी मुल्क का जो सनअतकार होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन देखिए, वहाँ पे तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने जहाँ पे जो बाकी सही बात थी वो मैंने उनको आपको कही कि भाई ठीक है, उसके अंदर उनके साथ एक जाती हुई है और वो पहले बिजनेसमैन थे और बाद में डेप्टी सांसद में। लेकिन अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो बिजनेस कम्युनिटी के साथ इस पांच साल में बेतहाशा जाती होंगी जी, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि जैसे अभी FDR के अंदर हमारे तकरीबन समझ 300 अरब रुपए FDR ने हमारे रोके हैं, ठीक है। और FDR ने पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो रवैया रखा है पिछले पांच साल, मैं समझता हूँ कि कोई भी एक मुल्क दोष पॉलिसी ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कोई भी ऐसा वजीरा खजाना हो जिसको मुल्क का दर्द हो, या जो मुल्क के अंदर अमन चाहता हो, या जो मुल्क के अंदर इस्तेकाम चाहता हो, या जो मुल्क के अंदर बिजनेस के फ्लोरिस चाहता हो, जो सनतों के अंदर इस्तेकाम चाहता हो, जो सनतों का फ्रोज चाहता हो, जो चाहता हो कि जी आपकी सनतें चले और आपकी एक्सपोर्ट हो और आपके यहाँ जरा आमदनी बढ़े और आपके यहाँ रोजगार फैले और आपके यहाँ से बेरोजगारी का खात्मा हो, तो वो कम से कम ऐसा काम नहीं करता, ठीक है। पिछले पांच साल के अंदर हमने देखा कि हमारे 300 अरब रुपए FDR ने दबा के रखे हुए, और वो हर 6 महीने बाद एक वादा करते हैं कि जी हम आपको फला महीने में दे देंगे, और अभी लास्ट उन्होंने जो वादा करा है वो उन्होंने 14 अगस्त का करा है, जो मेरी अभी भी अगर हम उसे 14 अगस्त से पॉजिटिव न्यूज आपको मिल जाएगी, और अगर जिस तरह आपने बात की तो वो मुस्तनद लोगों तक पहुंच गई होगी, एंड देल थिंक अबाउट इट आई होप। अच्छा, जो क्योंकि बारिशों से शुरू किया था, लेकिन मुझे पता है कि बिजनेसमैन की दुखती रग है और वो अपनी दुखती रग को छोड़ के और किसी चीज पे बात नहीं करते, जब डिनर पे भी मिलते हैं तो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारा दिल जला हुआ है ना, दिल जला हुआ है नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें बेहतर भी हुई ना, मतलब उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अच्छा, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं राज्य सचिन पेश करता हूँ, हमारे पुराने कोर कमांडर थे नवेद मुख्तार साहब, और हमारे डीजी रंजन थे बिलाल अकबर साहब, उन दोनों के मैं राज्य तहसील पर करता हूँ, और आने वाले वक्त के अंदर हम इनको मुख्तलिफ कराची और मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी सुन लेंगे। माशाल्लाह, ओके। आज के अखबारात में भी है, मानसून के आगाज से कबल शहर में नाला सफाई के दावों और ऐलानात के बावजूद सूरत हाल करंगी में गलाजत और कचरे से अटे इस नाले से बखूबी वाजे है। अच्छा, और हमारे पास अभी एक कॉलर आए थे और उन्होंने किसी गुज्जर नाले की बात की थी कि उसकी वजह से पूरा कराची खराब हो जाता है, और वाकई कराची में जो पिछले 1-1.5 साल से गंदगी है, और फिर बारिश के बाद या बारिश से पहले जो नाले की सफाई और तमाम चीजें जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं हर साल होने होते हैं, लेकिन हर साल पता नहीं फॉर सम रीजन और दी अदर नहीं हो पाते, और उसकी एक बड़ी अजीब सी तस्वीर भी अखबार में आई। यहाँ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय आप गुजर नाले के आप डिस्कस करें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को। अगर आप इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा करें, अगर आप वहाँ पे जाएं, तो आप बिलीव करें कि वो जो एरिया है वो इस वक्त खंडरात बना हुआ है। वहाँ की रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई अस्तर है, और जो उन्होंने नालों की सफाई करी है और उसके अंदर जो उन्होंने काला काला इस किस्म के जो कीचड़ निकाले हैं उसको उन्होंने पूरे रोड के एतराज के अंदर खड़ा दिया है। अब उससे क्या होता है कि हम सनअतकार, हमारी जितनी लेबर है वो उन्हीं जगह से गुजर के जाती है, जब वहाँ पे ताफुन फैलेगा, जब वहाँ से जरासीम उठेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारी लेबर के अंदर भी उसको मुतासर करेंगे। और फिर अगर हमारा, वैसे तो हमारे पास वैसे बायर आते नहीं है बिकॉज ऑफ हमारे हालात, लेकिन अगर कोई बायर आएगा भी और अगर एक दफा वो कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया के रोड से गुजर जाएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम उस इंडस्ट्री से काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी, आप काजिद साहब इस बात को कंक्लूड कर दीजिए। देखें, दो बातें इन्होंने जो की उनके हवाले से भी कहूँ, जैसे इन्होंने कहा FDR से, उसका ये प्रॉपर गवर्नमेंट का एक है कि रिटर्न में आप उसको करें, फिर उसके बाद CC करें,
आप मुतल्लिका वजीर को करें, आप यहाँ गवर्नर साहब से मिल सकते हैं, आप यहाँ एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर चीजें हम कहें ना कि जी ये चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही, और ये नहीं कि सिर्फ एक हुकूमत की बात है, जो प्रॉपर एक चैनल होता है। अच्छा, दूसरी बात आ गई कि ये मौजूदा वक्त में हम गुजर नाले की बात ना करें या हम उसकी करें, पूरे शहर की हम बात करें और सिर्फ कराची की बात ना करें, पूरे मुल्क के भी वो है कि ये जितनी मकानी हुकूमतें, जो लोकल गवर्नमेंट या एक सिस्टम एक अभी हमारे सामने जो बल्दियात का है, वहां पे बल्दियाती सतह पे काम बुनियादी तौर पे उनकी जिम्मेदारी है। अब वो किस तरह काम करते हैं ये बड़ी अहम बात होती है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मिसाल दूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है आतिफ रोग, अब मैं उनसे फोन कर रहा हूं, वो बल्दियात में वो अपने उसके कहना यार मैं इस टाइम में मैं बैठा हुआ काम कर रहा होता हूं, इस वक्त मैं फोन भी अटेंड नहीं करूंगा, 5 बजे के बाद मैं उठूंगा, बात करते हैं कॉल पे। कहने का मकसद है कि देखिए बल्दियात में बात अच्छे लोग भी जो बैठे हुए जो एक सिस्टम के मेयर अपने आए हैं चेयर में, वो काम भी करते हैं। देखिए मैंने आपको मिसाल दी, ऐसे भी लोग हैं कि जो फोन भी अटेंड मतलब अपने उस चीज को टाइम दे रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता करें और उनको काम करना चाहिए। कराची में इस दफा बाकी आप सही कह रहे हैं, काम नहीं हुआ है, जितने नाले हैं नालों की सफाई हमेशा की जाती है और ये डीएमसी के अंदर आता है या डीएमसी के अंदर आता है, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम में कुछ दिन बाद मधु करते हैं और फिर उनसे हम ये जरूर बात कर लेते हैं। मिसेस इजाज की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप कैसे हैं? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, काफी देर होल्ड कराया ना, ऐसा भी शायद आपके कान से होता होगा। मुझे बात ही करनी थी कि प्राइम मिनिस्टर का जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है जेआईटी में, तो असल जब इनका पॉलिटिशियंस की जगह होती है पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट में इजलास बुला के प्राइम मिनिस्टर को 100% हाजिरी लगवा के एक जरिया था, पहले अभी भी है, कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद एक चीज होती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस, 100% हाजिरी। ठीक है, अब हम इससे दोबारा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त इस वक्त खत्म हो गया है, हम दोबारा इससे फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग मौजूद रहे, मेरे ख्याल में कोई एक आधी लाइन आपकी रह गई थी, तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए काशिफ साहब। ये कि इसके हवाले से बस था, बारिश के माशाल्लाह हमेशा काम पहले होता रहा है। हाँ। फिर तो हमें ऐसा लगता है कि पिछले बेहतरीन मतलब दोनों नाजिम थे, मौजूदा मेयर का जो है फिर वो तो बरसात क्वेश्चन मार्क हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का।